नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की मिस्ट्री के पीछे छिपी हुई ड्रग्स की एक लंबी हिस्ट्री सामने आ रही है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को सुशांत केस के आरोपी नंबर वन रिया चक्रवर्ती से जो भी डिटेल्स मिली हैं, उससे बॉलीवुड का डर्टी, डार्क और डीप ड्रग सीक्रेट सामने आ रहा है। इस मामले में गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती और उनकी मंडली के कई मेंबर जेल में हैं, तो पिछले दो दिनों में एनसीबी ने 7 और लोगों को अरेस्ट किया है। इस केस में बॉलीवुड की कई सेलिब्रिटीज को भी पूछताछ के लिए बुलाने की तैयारी की जा रही है। ड्रग सिंडिकेट पर एनसीबी के अब तक के एक्शन की देखिए पूरी रिपोर्ट। रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत, अब्दुल बासित परिहार, कैजान इब्राहिम, जैद विलात्रा, अब्बास लखानी, करण अरोड़ा, अनुज केसवानी, अंकुश अरनेजा, ड्वेन एंथनी फर्नांडीज और करमजीत आनंद। ये है रिया चक्रवर्ती की ड्रग वाली मंडली जो एंटी ड्रग एजेंसी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के शिकंजे में है। इनमें से कैजान इब्राहिम को छोड़ दें तो सबके सब कानून की गिरफ्त में हैं। कुछ जेल में हैं तो कुछ एनसीबी की हवालात की हवा खा रहे हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम है केजे यानी करमजीत आनंद, जो रिया की ड्रग मंडली का सेंट्रल कैरेक्टर है। सुशांत सिंह राजपूत के केस की जांच करते हुए एनसीबी ने पूरे ड्रग सिंडिकेट की जांच करनी शुरू कर दी है और इसके साथ ही 7 ऐसे लोगों को पकड़ा है जो कि बॉलीवुड में ड्रग सप्लाई किया करते थे। इसमें सबसे बड़ा नाम जो है, जो इस वक्त एनसीबी के मुंबई के दफ्तर में मौजूद है, वो है केजे यानी कि करमजीत। जो एनसीबी के सोर्सेस हैं उनका ये कहना है कि करमजीत जो है इस पूरे ड्रग सिंडिकेट की एक अहम कड़ी है। सूत्रों का ये भी कहना है कि करमजीत जो है वो सुशांत सिंह राजपूत तक ड्रग्स भिजवाता था, उसे ड्रग सप्लाई करता था। अब क्या वो डायरेक्ट सुशांत सिंह राजपूत के संपर्क में था या रिया चक्रवर्ती के संपर्क में था या फिर वो सैमुअल मिरांडा और शौविक चक्रवर्ती के जरिए ये ड्रग्स सुशांत सिंह राजपूत तक भिजवाया जाता था, ये तमाम चीजें जो हैं अभी एनसीबी इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जो मुंबई की टीम है। और इसके साथ ही अंकुश एक शख्स है, अंकुश और साथ में अनुज, ये जो दोनों पेडलर्स हैं ये भी केजे के कहने पर ही पूरे मुंबई और आसपास में जितने बॉलीवुड के लोग होते थे उन्हें ड्रग सप्लाई किया करते थे। कुल 7 लोगों को फिलहाल एनसीबी मुंबई की टीम ने पकड़ा है। इसके अलावा गोवा से भी एक ड्रग पेडलर को पकड़ लिया है। सभी को फिलहाल एनसीबी के जो मुंबई का ये दफ्तर है यहाँ पर रखा गया है। बॉलीवुड में एक्टिव ड्रग गैंग का सबसे बड़ा किरदार करमजीत शनिवार को एनसीबी की गिरफ्त में आया और करमजीत उर्फ केजे तक पहुंचाने में रिया एंड मंडली के बयानों की बड़ी भूमिका रही है। रिया और शौविक ने एनसीबी को जो बयान दिया उसके मुताबिक केजे यानी करमजीत ही उन सबको ड्रग्स का सबसे बड़ा सप्लायर था। वो अब्दुल बासित परिहार, कैजान इब्राहिम और जैद विलात्रा के जरिए ड्रग्स की सप्लाई करता था। ये तीनों शौविक के माध्यम से सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत को ड्रग्स पहुंचाते थे। रिया के मुताबिक सैमुअल और दीपेश ये ड्रग्स सुशांत तक पहुंचाया करते थे, यानी रिया अपने भाई शौविक को ड्रग्स के लिए कहती थी, जो अपने दोस्तों के माध्यम से ड्रग पेडलर से संपर्क करता था और उनके जरिए ड्रग्स की डिलीवरी सैमुअल और दीपेश तक कराता था। रिया और शौविक के मुताबिक ये ड्रग्स वो सुशांत के लिए मंगाते थे। रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी को दिए अपने बयान में ये बताया था कि सुशांत सिंह राजपूत के लोनावला स्थित फार्म हाउस पर कई सारी पार्टियां होती थी। रिया के मुताबिक इन पार्टियों में बॉलीवुड के कई स्टार्स आते थे और यहां पर ड्रग सप्लाई करने का काम करता था केजे यानी करमजीत। सुशांत सिंह राजपूत ने इस फार्म हाउस को किराए पर लिया था और वो अक्सर यहाँ पर अनवाइंड होने के लिए आया करते थे। पावना के इस फार्म हाउस से लगा हुआ एक आइलैंड भी है। सुशांत और उनके साथी इस फार्म हाउस से बोट पर सवार होकर पास के आइलैंड जाते थे। अब वहां क्या होता था ये किसी को नहीं पता। सुशांत के फार्म हाउस के केयरटेकर रईस का कहना है कि सुशांत 8-10 लोगों के साथ अक्सर यहां आते थे। रिया से पहले फार्म हाउस में सारा अली खान भी आती थी, लेकिन आइलैंड पर ड्रग पार्टी होती थी या नहीं ये उसे नहीं पता। देखिए सर, ये जो ये ऐसी चीज़ है कि ये पब्लिक के जैसा स्टाफ के जो अभी मुंबई में जो स्टाफ है उनको पता होगा, शायद ड्रग्स का उनको पता हो सकता है। अभी हम लोग जो लोकल लोग हैं, लोनावला के लोग थे,
तो लोनावला के स्टाफ के सामने ये सब चीज़ें होती नहीं थी। मतलब वो तो जो आदमी अगर करता भी है तो वो अकेले में तो बनाना करना जो भी करना पब्लिक स्टाफ के सामने तो नहीं करेगा ना, ये सब चीज़ें छुपके ही होती है। तो शायद अभी ऐसी जो बातें निकल के आ रही है, अभी इतना दो इनके जो चैट भी आ गए 2019 से चैट है जो इनके ग्रुप चैट जो रिया और सैमुअल मिरांडा और शोभी के लोग के जो ग्रुप चैट चल रहे हैं, लेकिन मैं ये कंफर्म कर सकता इतना कह सकता हूँ कि ये बाद में ये रिया आने के बाद में ये कंटिन्यू मतलब ज़्यादातर चालू हुआ है इतना खुल्लम खुल्ला। केयरटेकर का ये बयान बहुत इंपॉर्टेंट है। सुशांत की जिंदगी में रिया के आने के बाद ही फार्म हाउस में पार्टियों का सिलसिला तेज हुआ। फार्म हाउस से दूर आइलैंड पर पार्टियां होने लगी और वहां क्या होता था अब ये बात किसी से छुपी नहीं रही। लेकिन अभी जितने लोग एनसीबी की गिरफ्त में हैं वो रिया की पूरी ड्रग मंडली नहीं है। अभी इस सर्किल के कई कैरेक्टर एनसीबी की गिरफ्त से बाहर है। शौविक की कुछ ऐसी चैट सामने आई हैं जो अक्टूबर 2019 की है। ये शौविक चक्रवर्ती और नमन अहलुवालिया के बीच की बातचीत है। इसमें शौविक ने करमजीत उर्फ केजे के अलावा सूर्यदीप मल्होत्रा और एमजे के भी नाम लिए हैं। इसके अलावा शौविक और दीपेश सावंत ने एनसीबी को ऋषिकेश पवार के नाम भी बताए हैं जिसने सुशांत के लिए ड्रग्स की डिलीवरी ली। एनसीबी ने ऋषिकेश पवार को भी पूछताछ के लिए तलब किया है। ड्रग सिंडिकेट के खिलाफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो फुल एक्शन में है। रिया की ड्रग मंडली के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन सुपर स्पीड में चल रही है। हर गुजरते दिन के साथ नए किरदार जुड़ते जा रहे हैं। रिया चक्रवर्ती की ड्रग मंडली के खिलाफ एक्शन का रास्ता ईडी की जांच से खुला था जब ईडी को रिया और शौविक के फोन से ड्रग संबंधी चैट मिली, जिसके बाद ईडी ने यह मामला नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को सौंप दिया। एनसीबी का एक्शन 28 अगस्त से शुरू हुआ जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अब्बास रमजान लखानी को 49 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया था। उसकी निशानदेही पर करण अरोड़ा को भी उसी दिन गिरफ्तार किया गया। इन दोनों ने एनसीबी को जैद विलात्रा का पता दिया और जैद विलात्रा ने अब्दुल बासित परिहार का नाम बताया। अब्दुल बासित परिहार का नाम एनसीबी को पहले ही रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती तक पहुंचा चुका था। अब्दुल बासित ने एनसीबी को कैजान इब्राहिम का नाम भी बताया जिसे एनसीबी ने तो अरेस्ट किया मगर मजिस्ट्रेट कोर्ट से उसे बेल मिल गई। अब एनसीबी ने कैजान की बेल रद्द करने की अर्जी सेशंस कोर्ट में दी है। मुंबई के सेशंस कोर्ट ने कैजान इब्राहिम को नोटिस जारी करके उससे ये पूछा है कि उसकी बेल क्यों न रद्द कर दी जाए। कैजान को 15 सितंबर तक कोर्ट के नोटिस का जवाब देना है। एनसीबी के सोर्सेज ने हमें बताया कि रिया की ड्रग मंडली में कैजान एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। कैजान से पूछताछ के बाद एनसीबी को कई बड़े ड्रग पेडलर के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है जो बॉलीवुड में ड्रग सप्लाई किया करते थे। एनसीबी के सूत्रों की माने तो कैजान सुशांत सिंह राजपूत के अलावा कई और बॉलीवुड के स्टार्स को ड्रग सप्लाई किया करता था। एनसीबी ने जब कैजान की गिरफ्तारी की तो इससे पूछताछ के बाद ही एक बड़ा ड्रग डीलर केजे और अनुज एनसीबी के शिकंजे में आ गया। केजे के बाद अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को सूर्यदीप मल्होत्रा, नमन अहलुवालिया और एमजे की तलाश है जिनके नाम शौविक की चैट से सामने आए हैं। रिया चक्रवर्ती के ड्रग सिंडिकेट के दूसरे मेंबर्स की तलाश बेहद जरूरी है। जांच एजेंसियों का टारगेट ड्रग के उन माफिया तक पहुंचना है जिनके इशारे पर मुंबई और बॉलीवुड में नशे का पूरा कारोबार चलता है। रिया चक्रवर्ती और उसकी गैंग के कई मेंबर्स इस वक्त जेल में हैं तो उसके बताए नामों को एक के बाद एक गिरफ्त में लिया जा रहा है। फिजिकल एविडेंस, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, चैट से मिलते सुराग बयानों से खुलते रहा है। एनसीबी को लगता है कि रिया बॉलीवुड के डार्क डीप ड्रग सीक्रेट को जानती है, उस तक ड्रग पहुंचाने वालों को पहचानती है और वही इस काले धंधे के बड़े किरदारों तक एनसीबी को पहुंचा सकती है। इसीलिए एनसीबी लगातार रिया और उसकी मंडली की बेल एप्लीकेशन का विरोध कर रही है, जबकि खुद रिया के वकील कहते हैं कि वो अपने लिए नहीं सुशांत के लिए ड्रग्स का इंतजाम कर रही थी। जो सच था कि रिया ने बोला है कि मैंने कभी कंज्यूम किया नहीं है, ड्रग टेस्ट लेने के लिए तैयार हूँ, जो भी कंजम्पशन होते थे सुशांत करता था और उसका सर्वेंट भी घर का जो था उसने बोला है कि 3 दिन पहले
उसके इंसिडेंट के पहले उन्होंने गांजा का जो रोल्स थे वो बना के उसके बॉक्स में रखा था, और जब सुशांत गया उसके बाद उन्होंने चेक किया तो वो खाली पड़े थे। रिया की कुछ चैट्स ऐसी हैं जो इस तरह इशारा करती हैं। ईडी ने रिया के दो फोन की क्लोनिंग की थी, जिनसे रिया की ड्रग संबंधी 70 चैट का पता चला था। इनमें से एक में वो अपने भाई शौविक से सुशांत के लिए ड्रग्स का इंतजाम करने के लिए कह रही है। हाँ प्लीज, वो दिन में 4 बार स्मोक करता है, उस हिसाब से प्लान करना। क्या उसे बढ़ चाहिए? हाँ प्लीज। ठीक है, तो हम 5 ग्राम बढ़ ले लेते हैं, ये 20 डूब्स होंगे। रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती ने भी एनसीबी को दिए अपने बयान में इस बात की पुष्टि की है। हमारे पास शौविक के एनसीबी को दिए बयान की एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। शौविक ने एनसीबी को अपने लिखित बयान में बताया था, मैं बताना चाहता हूं कि 16 मार्च 2020 को मैंने बांद्रा में अपने घर पर सुशांत सिंह राजपूत को लेकर अपनी बहन रिया से बात की थी। मैंने रिया को बताया था कि सुशांत ने मुझे मैरिजुआना और हैश की व्यवस्था करने को कहा था। व्हाट्सएप पर हुई चैट में मेरी बहन रिया ने बताया कि सुशांत दिन में कम से कम 4 से 5 बार ड्रग्स ले रहा है और मैं इसका इंतजाम कर दूं। मैंने उसे बताया कि मैं 5 ग्राम बड क्यूरेटेड मैरिजुआना का इंतजाम कर सकता हूं, जो 20 बार के लिए काफी था। फिर मैंने बर्ड के लिए अपने दोस्त अब्दुल बासित परिहार से संपर्क किया और रिया सैमुअल को बर्ड के रेट बताए, क्योंकि तब सैमुअल मिरांडा सुशांत के घर का मैनेजर था। वो सुशांत के घर की हर चीज मैनेज करता था। मैंने अब्दुल बासित परिहार को सैमुअल का नंबर दे दिया। मैं कह सकता हूँ कि बासित ने एक अन्य दोस्त जैद के साथ सैमुअल का नंबर दिया। फिर जैद ने 17/3/2020 को बांद्रा इलाके में शाम 5 बजे के आसपास ईट अराउंड कॉर्नर के पास सैमुअल को ड्रग डिलीवर की थी। रिया और शौविक के खिलाफ मिले इन्हीं सबूतों के चलते एनसीबी ने उनके ऊपर एनडीपीएस एक्ट का सेक्शन 27A लगाया है, जिसमें ड्रग की फाइनेंसिंग का आरोप बहुत गंभीर हो जाता है। ड्रग्स परचेजिंग और ड्रग्स फाइनेंसिंग में अंतर है। ड्रग्स खरीदना और ड्रग्स का सेवन करना भी अपराध है, लेकिन उसकी सजा कम है। ड्रग्स नेटवर्क को फाइनेंस करना बड़ा जुर्म है और रिया ने वही किया है। रिया न सिर्फ ड्रग्स लेती थी, ड्रग्स खरीदती थी, बल्कि ड्रग्स के लिए थर्ड पार्टी को पैसे भी देती थी। मेन चीज हमारी 27A और 29 ये सेक्शंस थे, जिसके आधार पे हमने आर्गुमेंट किया और अपोज किया। सर, अगर स्पेसिफिक दलील के बारे में बताएं, बहुत बेहतर है, क्योंकि आप लोगों ने कहा तो ड्रग्स सिंडिकेट के एक्टिव मेंबर है, पैसा दे रही थी। देखो, बाकी चीज अलग अलग चीज है। हम लोगों ने फाइनेंसिंग और कॉन्स्पिरसी, ये दो चीज पे ज्यादा आरोप किया था और हो सकता है कि कोर्ट ने वो मान लिया हो। मुझे नहीं पता कि कोर्ट ने क्या किया है। ड्रग ट्रैफिकिंग बहुत सीरियस क्राइम है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरनाक है, इसलिए एनसीबी इस बार मुंबई में ड्रग के डीप डार्क नेटवर्क का पर्दाफाश करने में जुट गया है। क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने अपने बयान में सारा अली खान का नाम भी लिया है और रकुलप्रीत का भी। सारा अली खान जो रिया से पहले सुशांत की गर्लफ्रेंड थी और वो सुशांत के लोनावाला स्थित फार्म हाउस में रेगुलरली जाती थी। रकुलप्रीत जो रिया की दोस्त रही है। इनके अलावा रिया ने बॉलीवुड के ऐसे 25 सेलिब्रिटीज के नाम बताए हैं जो सुशांत के फार्म हाउस पर होने वाली ड्रग्स पार्टीज में शामिल होते थे। हालांकि असली एक्शन की शुरुआत मंगलवार से होने की उम्मीद है, जब सुशांत केस में ड्रग एंगल की जांच के लिए टीम लीडर केपीएस मल्होत्रा मुंबई पहुंचेंगे। उम्मीद है कि तब रिया का फुल गैंग सलाखों के पीछे जाएगा।